थोड़ा रखते क्या डॉक्टर आ रहे हैं भाई फसल देखने गए किसान पर आवारा सांड का हमला हुआ और किसान की मौत हुई। मौके पर पहुंचा प्रशासन, आवारा सांड को पकड़ने वाले को दिया गया 12,000 का इनाम। जी हां, जिला सीतापुर में मिश्रिक तहसील क्षेत्र के ग्राम सुल्तान नगर में आवारा सांड ने खेत की फसल देखने गए 60 वर्षीय किसान जगदेव प्रसाद मौर्य पर हमला कर दिया, जिससे गंभीर रूप से घायल हुए किसान की मौत हो गई। सूत्रों की माने तो घटना के वक्त जगदेव प्रसाद ने सांड से बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन सांड के हमले से वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में शोर मचाने पर पहुंचे ग्रामीण ने सांड को भगाया। किसान की हालत ज्यादा नाजुक देखते हुए उन्हें CHC मिश्रिक लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। क्या नाम है इस समय? इसके पूर्व में भी कोई सांड ने हमला किया? हाँ, कल इन्हीं लोगों को मारा जी। क्या उसका नाम है? शाम का यहाँ से शाम। तो आपने सूचना दी किसी को? सूचना किसी को नहीं दी थी सरकार को। इसके पास हमारे पास कोई किसान आदमी इसके नंबर ही नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे आपका बैंक से इसे सुबह आए क्या? यहाँ पे सूचना दिया डॉक्टर को? डॉक्टर ने क्या बताया? नहीं, वहाँ से सांड ने मारा तब ये बहुत घायल थे, हम अस्पताल लेके इंतजार करा। और आपका नाम? हमारा नाम आपका गाँव सुल्तान नगर। मामले को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि सुल्तान नगर क्षेत्र में आवारा पशुओं का आतंक बना रहता है। आवारा पशु किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं गांव के निवासी रामपाल ने बताया कि आवारा सांड एक दिन पहले अनिरुद्ध मौर्य और मिथिलेश को भी घायल कर चुका था। मौके पर पहुंचे SDM ने जब वन विभाग अधिकारियों तथा पशुपालन अधिकारियों से सांड को पकड़ने के लिए कहा तो उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि वह सांड नहीं पकड़ पाएंगे। इसके बाद SDM साहब ने सांड पकड़ने पर 12,000 रुपये का इनाम रख दिया। तभी ग्राम कुशाह की एक टीम ने सांड को पकड़कर नैमिष गौशाला भेजा और नगद पुरस्कार के दावेदार बने। आप देख रहे थे ब्यूरो रिपोर्ट।